टीम इंडिया का एक स्टार क्रिकेटर लंबे समय से बाहर चल रहा है। आपको बता दें कि उसकी वापसी का कोई चांस नजर नहीं आ रहा है। कभी मनीष पांडे को टीम इंडिया का भविष्य माना जाता था, लेकिन अपनी खराब फॉर्म के चलते वह सेलेक्टर की आंखों में खटकने लगे हैं और उन्हें टीम इंडिया से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं मनीष पांडे घरेलू क्रिकेट में भी अपना कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं। वह पिछले 2 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं। उनकी जगह आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन करने वाले कई युवा क्रिकेटर्स ने ले ली है। ऐसे में उनके करियर पर पावर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादातर युवा क्रिकेटर आईपीएल में अच्छा खेल दिखाकर टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की करते हैं, लेकिन मनीष पांडे आईपीएल में रन बनाना तो दूर, क्रीज पर भी टिकने के लिए तरस रहे हैं। आईपीएल 2020 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 4.6 करोड़ रुपए में खरीदा, लेकिन वह प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। वहीं आईपीएल 2022 के 6 मैचों में वह सिर्फ 88 रन ही बना पाए। मनीष पांडे अब 32 साल के हो चुके हैं। उनकी उम्र का असर उनके फॉर्म पर दिखने लगा है। टीम इंडिया में उनकी जगह सूर्य कुमार यादव ने और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाजों ने ले ली है। वहीं दीपक हुड्डा भी कतार में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि मनीष पांडे ने टीम इंडिया के लिए अब तक 39 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 44.31 औसत से 126.15 की स्ट्राइक रेट से 709 रन बनाए और 39 वनडे मैचों में 566 रन बनाए। वह खराब खेल के चलते कभी टीम इंडिया में अपनी स्थायी जगह नहीं बना सके। अब उनकी वापसी टीम इंडिया में बहुत ही मुश्किल नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।